या फिर यू विल फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस दोनों सूरतों में uh, क्या क्या प्रॉबलिटी है क्या एरर्स हो सकते हैं हम ये बात करेंगे अभी सो so, स्टैट्स में बड़ी मशहूर हैं आपने डेफिनेटली टाइप वन एंड टाइप टू एरर लेट मी ड्रॉ एंड मेक इट क्लियर के टाइप वन टाइप टू एरर क्या है ये देखें ये मैं आपके सामने एक मेट्रिक्स ड्रा करती हूँ इस मेट्रिक्स के अंदर अब हम कर रहे हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग राइट और इस हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आप कहते हैं कि वेदर आई विल एक्सेप्ट और आई विल रिजेक्ट और इसी तरह आपका है कि वाकई नल हाइपोथेसिस इज ट्रू एंड नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स राइट अगर आपने एक सही नल हाइपोथेसिस को नल हाइपोथेसिस इज ट्रू उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया है तो इसका मतलब है कि ये आपने सही डिसीजन किया है इट इज़ अ राइट डिसीजन लेकिन अगर आपने नल हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू था और उसको रिजेक्ट कर दिया राइट right? तो इसका मतलब है कि ये आपने एरर है यानी पॉपुलेशन की मीन वाकई हंड्रेड थी और आपने जो सैम्पल लिया मे बी आपकी सैम्पलिंग टेक्निक ठीक नहीं थी कि उस सेम्पल में आपका मीन हंड्रेड फिफ्टीन आ गया और आपने कहा कि नहीं पॉपुलेशन की मीन हंड्रेड नहीं है एंड यू रिजेक्टेड द नल हाइपोथिस हालांकि एक्चुअली पॉपुलेशन की मीन हंड्रेडी थी तो यहाँ पे आपने एरर किया दिस इज कॉल्ड टाइप वन एरर टाइप वन एरर यानी रिजेक्टिंग अ ट्रू नाल हाइपोथसिस इसी तरह अगर नल हाइपोथसिस इज फॉल्स और उसको आपने रिजेक्ट कर दिया है तो ये आपने बिल्कुल सही डिसीजन किया है लेकिन अगर आपने गलत नल हाइपोथिस को एक्सेप्ट कर लिया है तो इसका मतलब है कि आपने क्या किया है एरर की है एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट टाइप टू एरर टाइप टू एरर अच्छा अब दो तरह की एरर्स हमने बात कर ली एक तो ये कि हमने एक सही नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया और दूसरा ये कि हमने एक गलत हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया कैन यू गेस्ट के किसकी पेनल्टी ज़्यादा होगी कौन सी एरर जो है वो आपको लगता है कि ज्यादा अस्फेयर हो सकती है यस यू आर राइट कि हम जब टाइप वन एरर के जो चांसेस है ना ये जो एरर है ये जरा ज्यादा इसको मैं इसका लिख दू ताकि टाइप वन एरर पड़ी जाए टाइप वन एरर राइट सो so, टाइप वन एरर क्यों हम कहते हैं कि ये ज्यादा है क्योंकि इसके अंदर आपने एक सही नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर आपने एक ट्रीटमेंट बनाई मसलन मैंने एक ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया या फर्स्ट करें मैंने कोई मेडिसिन बनाई और मैंने कहा कि हाँ इसके साथ वाकई आराम आएगा परफॉर्मेंस इनक्रीज़ होगी और मैंने नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दिया और अपना रिसर्च हाइपोथेसिस को मैंने एक्सेप्ट कर लिया और मैंने कहा यस दिस इज़ इफेक्टिव ट्रेनिंग इसका मतलब है कि अगले रिसर्चर्स सारे के सारे वो यूज़ करेंगे हालांकि एक्चुअली वो जस्ट नॉइज़ था डेटा के अंदर सैम्पलिंग ठीक नहीं थी वॉट एवर द रीज़न वॉज सो इसके कॉन्सिक्वेंसेज ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू टाइप टू एरर क्यों क्योंकि टाइप टू एरर का मतलब है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है नल हाइपोथिस यानी यू स्टार्टड विद द न्यूट्रल स्टेटमेंट यू एंडेड विद अ न्यूट्रल स्टेटमेंट सो इसका मतलब ये होगा कि फ्यूचर रिसर्चर्स अगेन उसको ट्राई करेंगे रीटेस्ट करेंगे रीटेस्ट करेंगे तो मे बी दी विल डिटेक्ट द डिफरेंस लेकिन यहाँ पे आप वो डिफरेंस को डिटेक्ट नहीं कर सके सो मे बी टाइप वन एरर के कॉन्सिक्वेंस ज़्यादा है और याद रखें स्टेटिस्टिक्स के अंदर जब हम टेस्टिंग हाइपोथिस करते हैं तो रिसर्चर का बहुत ज़्यादा एम्फोसिस होता है या कोशिश होती है कि वो टाइप वन एरर से बचे यानी द रिसर्चर रियली टू अवॉइड टाइप वन एरर हालांकि कॉन्ट्रेरी पे रिसर्चर का ज़्यादा इंटरेस्ट ये होता है कि वो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करे क्यों क्योंकि मैंने बड़ी इंथ्यूजियास्टिकली एक बनाया हाइपोथेसिस कि नहीं यार ये ट्रीटमेंट से इतना ज़्यादा इफेक्ट होगा एंड एक्चुअली रिसर्चर अपने रिसर्च हाइपोथेसिस में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है कि वो उसको सपोर्ट मिले उसको एविडेंस मिले और वो हाइपोथेसिस उसका एक्सेप्ट हो सो so, वो ज़्यादा इंथ्यूजियास्टिकली ज़्यादा चांसेस होते हैं टाइप वन एरर कमिट करने के क्यों क्योंकि आप डेटा लेते हैं और बड़ी सेलेक्टिवली फिर आप उसको चेक करके जो भी बहुत से हम बात करेंगे क्या क्या रीजन हो सकते हैं लेकिन रिसर्चर ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है कि वो नल हाइपोथसिस को रिजेक्ट करे ताकि उसका अपना जो रिसर्च हाइपोथिस उसने एग्जाम्शन बनाई है रिसर्च हाइपोथिस या अल्टरनेटिव हाइपोथिस की सूरत में उसको एक्सेप्ट करें अच्छा अब यहाँ पे एक होती है पावर ऑफ द टेस्ट होती है पावर ऑफ द टेस्ट का क्या मतलब है कि जब आप वाकई एक गलत नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करें यानी वाकई नल हाइपोथेसिस गलत है और आप उसको रिजेक्ट करें दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ द टेस्ट क्यों क्योंकि आप एक गलत हाइपोथेसिस को जब करेंगे दिस इज स्ट्रोंगर डिसीजन दिस इज़ काइंड ऑफ मोर पावरफुल डिसीजन क्यों क्योंकि आपने एक ट्रीटमेंट दी एक एक, एक आपने मॉड्यूल डिवेलप किया ट्रेनिंग डिवेलप की और आप चाहते हैं कि इस ट्रेनिंग से

रिजेक्शन रीजन रखा है उतनी ही प्रोबेबिलिटी है नाल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने की अगर आपका फाइव परसेंट रिजेक्शन रीजन है और नाइन्टी फाइव परसेंट आपका एक्सेप्टेंस है तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नाल हाइपोथेसिस इधर इट इज़ ट्रू और फॉल्स आपकी फ़ाइव परसेंट है रिजेक्शन की प्रॉब्बिलिटी फाइव परसेंट है अगर रिजेक्शन की प्रॉबिलिटी फ़ाइव परसेंट है तो इसका मतलब टाइप वन एरर कमिट करने के चांसेस भी फाइव परसेंट है क्योंकि टाइप वन एरर तभी कमिट होगी जब हमारी वैल्यू इस रीजन में आएगी अब रिसर्चर इसको रिजेक्ट भी करना चाहता है और रिसर्चर एरर भी नहीं करना चाहता तो ज़्यादा कोशिश साइंटिफिकली हमें यह करनी चाहिए कि हम एरर ना करें और सही डिसीजन करें ताकि एक साइंटिफिक थेरी बिल्ट होनी होती है आपकी रिसर्च के ऊपर आपके एनालिसिस के ऊपर हमने पूरी फ्यूचर में आगे फर्दर रिसर्चर्स ने थेरी बिल्ड करनी होती है तो इसका एक तरीका तो ये है टाइप वन एरर से बचने का कि आप इस एरिया को छोटा कर दें जब आप एरिया छोटा कर देंगे तो फिर इसका मतलब है कि ये एरिया अगर वन परसेंट रह गया है तो फिर आपकी प्रोबेबिलिटी भी वन परसेंट रह गई है अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नालाइथसिस वन परसेंट रह गई है तो इसका मतलब है कि टाइप वन एरर कमिट करने के चांसेस भी वन परसेंट रह गए हैं लेकिन इसमें यह होगा कि फिर आपका ज़्यादा एक्यूरेट डिसीजन जब आप वन परसेंट सिग्निफिकेंस कर देते हैं यानी आप अपना रिजेक्शन रीजन या एरिया वन परसेंट करते हैं तो वो आपकी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फाइंडिंग है क्योंकि आपने नाइनटी नाइन परसेंट एक्सेप्टेंस रीजन रखा है और जस्ट वन परसेंट आपने क्रिटिकल रीजन रखा है जिसका मतलब है कि आपके ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके रिजल्ट्स एक्यूरेट हैं और आपके ज़्यादा सही रिजल्ट्स हैं लेट्स गो स्लाइड बाय स्लाइड टाइप वन एरर क्या है उसकी रीजंस क्या हो सकती हैं और उसमें रिसर्चर कैसे कमिट कर, कर सकता है और कैसे उसको अवॉइड कर सकता है सो टाइप वन एर इज़ मोर लाइकली टू अकर अक व रिसर्चर अनोइंगली अ एक्सट्रीम नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल जैसा हमने अभी बात की कि आपने कहा कि ट्रेनिंग uh, का इफेक्ट है कि नहीं है या फिर आई uh, क्यू जो है पॉपुलेशन के अंदर वो हंड्रेड है कि नहीं है अगर आपने अपने एक ग्रुप में से ही सैम्पल ले लिया जो कि आप लाइक like बच्चों का ग्रुप है यानी आप ख़ुद लाइक हैं आपके साथ जितने भी आपके पेयर हैं वो लाइक हैं आपने उनका सैंपल लिया है तो वो आपने सिलेक्टिव सैंपल ले लिया अपने नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल ले लिया और उसके अंदर ज़्यादा चांसेस हैं कि आई क्यू हाई आएगा हाई आया तो फिर आपने नालाए हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दिया कि हाँ पॉपुलेशन का मीन जो है वो हंड्रेड नहीं है बल्कि वो उससे ज़्यादा है तो इसका मतलब कि आपने सैम्पलिंग गलत लेने की वजह से भी टाइप वन एरर कमिट की है फिर हमने अल्फ़ा लेवल आपको बताया कि अगर अल्फ़ा लेवल जो है दैट टर्मज अ प्रॉबिलिटी ऑफ टाइप वन एरर अगर हम उसको रिड्यूस कर देंगे तो तब भी हम उसकी टाइप वन एरर को कम कर सकते हैं टाइप टू एर है कि दैट अकर्स वेन आर रिसर्च अ फेल्स टू रिजेक्ट द नालाइपोथिस यानी अच्छा हम वैसे ये भी बात है कि हम यूजली uh, स्टूडेंट्स कहते हैं कि एक्सेप्ट द नालाइपोथिस और रिजेक्ट द नालाइपोथिस तो एक्सेप्ट के टर्म को हम अवॉइड इसलिए करते हैं क्योंकि डिफ्रेंस तो होता ही है थोड़ा बहुत तभी तो आपने जम्पशन बनाई है अपनी तो अगर हम कहें कि एक्सेप्ट द नल हाइपोथसिस है तो हम उसे कहते हैं कि जी अब मीन एग्जैक्टली हंड्रेड ही है या फिर ट्रेनिंग का कोई इफेक्ट नहीं है तो चूंकि वो थोड़ा बहुत होता है इसलिए हम उसको कहते हैं कि वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथिस क्योंकि हमने उसके एक इंटरवल में बात की होती है नाइन्टी फाइव परसेंट लिमिट्स के अंदर तो इसलिए हम यूजअली ये नहीं कहते कि वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथसिस रादर हम कहते हैं कि वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपो विच इज़ ऑलमोस्ट सेम थिंग सो इट मीन्स दैट द हाइपोथिस टेस्ट हैज़ फेल्ड टू डिटेक्ट द रियल ट्रीटमेंट इफेक्ट आपके डेटा में अगर आपको रियल इफेक्ट नहीं मिला और आपने नल हाइपोथिस को आप रिजेक्ट नहीं कर पाए और एक्चुअली वो नल हाइपोथसिस गलत था तो इसका मतलब है कि आपने टाइप टू एर कमिट किया जैसा हमने पीछे मेट्रिक से ड्रॉ करके भी देखा है so type 2 may in the case the treatment does influence the sample but the magnitude of the effect is not big enough to move the sample mean into the critical region यानी yani, वो जैसे मैंने अभी बात की है कि फ़र्क तो था लेकिन वो उन बाउंड्रीज़ के अंदर ही रहा वो क्रिटिकल रीजन में जा कर ट्रेवल नहीं कर सका इस वजह से हमने वो अपने नल hypothesis को रिजेक्ट नहीं किया जिसका मतलब है कि अगर वो वाकई गलत था और हमने रिजेक्ट नहीं किया तो हमने टाइप टू वर् कमिट की है uh, उसकी रीज़न बिकॉज द सैम्पल इज नॉट सब्सटैंशली डिफरेंट फ्राम द ओरिजिनल पॉपुलेशन द स्टेटिस्टिकल डिसीजन इज टू फेल द रिजेक्ट द नालास यानी आपकी चूँकि स्टैट्स में एक बात ये भी है वैसे कि हमने जो भी नंबर्स आ रहे हैं ना हमने उन्हीं के साथ चलना है और हमने उन्हीं को इंटरप्रेट करना है जैसा अभी मैं आगे जाके आपको बताऊंगी कि वाई वी शुड नॉट केयर मच अबाउट एल्फा लेवल और पी वैल्यू क्यों क्योंकि आप जैसे जैसे सैम्पल साइज़ इंक्रीज करते जाते हैं तो आप सिग्निफिकेंस अचीव कर लेते हैं यानी हम कहते हैं कि सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स आ गए हैं क्योंकि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से बड़ी आ गई यानी वो हमारी वैल्यू क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रही है इसलिए हमने उसको हम जब सैंपल छोटा हो और इफ़ेक्ट रियल भी हो तो समटाइम्स उसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते तो इसलिए बहुत सी रीजंस हो सकती हैं कि हमने एरर uh, क्यों कमिट किया सैंपल साइज़ आपकी सैम्पलिंग टेक्निक आपका रिसर्च डिज़ाइन आपकी मेथडोलॉजी uh, लेकिन हमने अभी बात की कि टाइप टू एरर के इतने बुरे कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है लेकिन वी शुड बींग साइंटिस्ट शुड अवॉइड टाइप वन एंड टाइप टू बट टाइप वन एरर हैज़ मोर सीरियस कॉन्सिक्वेंसिस द प्रॉबिलिटी ऑफ अ टाइप टू एरर इज रिप्रजेंटेड बाई द सिम्बल बीटा द ग्रीक लेटर बीटा पढ़ते हैं बेरा पढ़ते हैं एंड इट डिपेंड्स ऑन वाइटी ऑफ फैक्टर्स रदर दैन जस्ट स्पेसिफिक नंबर जैसे मैंने अभी बात की है कि उसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं आपकी सेलेक्टिविटी आपका बाइस्ट सैम्पल आपकी सैम्पलिंग देर कोड बी मैनी रीजनज सो सेलेक्टिंग एल्फा लेवल क्या हमें करना चाहिए फिर हमें अल्फा लेवल मेनली रिड्यूस कर देना चाहिए ताकि हम उसमें टाइप लेकिन ये भी बात है कि जब आप उसमें आ, अल्फा लेवल कम कर देंगे लेट मी ड्रॉ और आपने वन परसेंट रिजेक्शन रीजन छोड़ा है टोटल तो इसका मतलब है कि जब आपने ये रीजन बढ़ा दिया नाइन्टी नाइन परसेंट कर दिया तो टाइप टू एरर के चांसेस भी आपने बढ़ा दिए क्योंकि पहले वो नाइन्टी फाइव परसेंट था तो प्रॉबिलिटी उसमें टाइप टू एरर कमिट करने की नाइन्टी फाइव परसेंट हो सकती है लेकिन अब आपने जब रीजन उसको बढ़ाया तो उसकी प्रॉबिलिटी भी बढ़ गई लेट मी रीड द एल्फा लेवल फॉर द हाइपोथेसिस सर्व टू परपज या फंक्शन फर्स्ट द एल्फा लेवल हेल्प्स टू डिटर्मिन द बाउंड्रीज एंड सेकेंड द एल्फा लेवल डिटर्मिन द प्रोबिलिटी ऑफ टाइप वन मैंने अभी बात कर दी है इसकी कि हम अल्फा लेवल क्यों डिटर्मिन करते हैं एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट सो प्राइमरी कंसर्न वेन सेलेक्टिंग एल्फा लेवल इज टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ टाइप वन क्यों क्योंकि हम दो बिंग रिसर्चर हम इंथ्यूजियाटिकली इंटरेस्टेड होते हैं कि हम अपने रिसर्च हाइपोथिस के एविडेंस और सपोर्ट फाइंड आउट करें लेकिन स्टिल वी डेफिनेटली शुड अवॉयड टाइप वन एरर बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू मेक अ नॉइज वेन हाइपोथसिस एक्चुअली इज़ फॉल्स इज़ ट्रू एंड वी रिजेक्टेड तो इसका मतलब है कि वो हमें ज़्यादा दैट कैन लीड टू मोर कॉन्सिक्वेंसेस सो एल्फा लेवल अगर पॉइंट जीरो वन रखें या फिर पॉइंट ज़ीरो जीरो वन रखें तो आपका टाइप वन एरर के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे और आप ज़्यादा कॉन्फिडेंटली अपना जो भी आपने इंफ्रेंस ड्रॉ किया अबाउट पॉपुलेशन दैट कुड भी मोर ओथेंटिक